अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश प्लेसेस एंड कंपोजिशन के जो सीएसएस का कल पेपर हुआ है उसमें पार्ट वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वन देखें तो उसमें हमारे पास है चूज द वर्ड्स दैट इज nearly that similar in meaning to the capitalized words। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास पहला है ubiquitous। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो हमारे पास है पहला scarce, present, everywhere, unique या limited। अगर इस वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हर जगह मौजूद। तो अगर इसका अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास है बी, प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकेंड वर्ड की तरफ आएँ तो हमारे पास है pernicious, जिसका मतलब होता है नुकसानदेह। तो अगर इसकी हम देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है हार्मफुल इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मेलिफिस, अगर इसका देखें हम मेलिफिस का तो इसका होता है मीठी और खुशबूदार आवाज़ वाला। तो इसमें से अगर हम मीनिंग देखते हैं हमारे पास है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग। फोर्थ अगर हम देखें तो हमारे पास है एफीमेरल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है फ़ानी। ठीक है, तो इसका जो हम देखेंगे राइट ऑप्शन वो है हमारे पास सी, शॉर्ट लिव्ड। उसके बाद है हमारे पास फाइव एस्ट्यूट। एस्ट्यूट अगर देखें तो इसका मतलब होता है ज़िरक। ठीक है, तो इसका है मीनिंग हमारे पास इनसाइटफुल, डी। नेक्स्ट है हमारे पास इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का अगर हम देखें तो वो होता है वसवसा करना। ठीक है, तो वसवसा करना मतलब कैप्टिवेट, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, कैप्टिवेट। तो आगे है हमारे पास सेवन। सेवन हमारे पास साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है खुशामद करना, तो फ्लैटरिंग। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है फ्लैटर इज द करेक्ट ऑप्शन। एट है हमारे पास असौज। असौज का मीनिंग होता है तस्कीन देना, तो सूदिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास है सी, सूद। नाइन अगर देखें तो हमारे पास है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है खामोश, तो इसका जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है इसके करीब तरीन वो होता है रिजर्व। टेन वाला अगर देखें तो इसका है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लाजमी, तो परसिस्टेंट कोई चीज़ हो। तो हमारे पास जो सी है वो हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। चूज वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वर्ड। तो पहला है हमारे पास एसोटेरिक, जिनका हमने इनका ऑपोजिट मीनिंग लिखना है। एसोटेरिक का मतलब होता है रात का। ठीक है, तो इसका अगर हम उलट देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है करेक्ट है, ऑब्वियस आएगा। तो सेकेंड है हमारे पास स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा, तो अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास सी, लेविश, इसका एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड है। थर्टीन अगर देखें तो हमारे पास है टैसिट्रन। टैसिट्रन का मतलब अगर हम देखें तो वो होता है खामोश। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इसके उलट लिखना है हमने, तो वो है हमारे पास लैक्रेशियस। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो हमारे पास क्या है करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास 14। 14 है हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सुगड़ना, तो अगर इसका ऑपोजिट देखें तो एक्सपैंड जो है इसका क्या है हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, एक्सपैंड। 15 है हमारे पास लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, तो उसका अगर हम उलट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, साइलेंट, खामोश पर्सन। 16 है इंडोलेंट। इंडोलेंट हमारे पास मीनिंग अगर देखें तो उसका होता है सुस्त, तो इसका हम जो ऑपोजिट देखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेज। कॉलेज का मतलब होता है मुतहद होना, मुतहद होकर काम करना। तो इसका अगर हम देखें, अगर इसका ऑपोजिट देखें तो हमारे पास आएगा डी, सेपरेट। उसके बाद है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है दुश्मन, तो इसका ऑपोजिटली हमारे पास हॉस्टैलिटी के मीनिंग में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेंस। एक्वेंस का देखें होता है मान लेना, तो किसी चीज़ को मान लें, तो अगर इसका ऑपोजिट देखेंगे तो रिजिस्ट करना, इसका ऑपोजिट मीनिंग है। 20 हमारे पास है डेबी, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, तो अगर हम इसका देखें तो हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग हमने इसका लिखना, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, स्ट्रेंथन। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने पार्ट वन को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट इसका पार्ट टू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।